हम बात कर रहे हैं किसकी, नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप का मतलब बेसिकली होता क्या है, क्या समझते हैं आप नेस्टेड लूप से? नेस्टेड लूप होता है व्हेन अ लूप विद इन अनदर लूप। जब एक लूप दूसरे लूप के अंदर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। ऐसे हमारे पास नेस्टेड इफ भी होता है, अगर मैं इफ के अंदर एक और इफ लगा देता हूँ तो इन दैट केस नेस्टेड इफ बोला जाता है। लूप का मतलब क्या हो जाता है, लूप का मतलब कोई भी हो सकता है, दैट मीन्स हमारा डू वाइल भी हो सकता है, वो एक डू वाइल के अंदर दूसरा डू वाइल हो सकता है, एक वाइल के अंदर दूसरा वाइल हो सकता है, और एक फोर के अंदर एक फोर हो सकता है, या फिर एक डू वाइल के अंदर फोर होना, एक डू वाइल के अंदर वाइल होना, या फोर के अंदर डू वाइल होना, दैट मीन्स कोई भी लूप किसी के भी अंदर हो, एक लूप के अंदर दूसरे लूप का होना क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, मैं बेसिकली आपको सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ फोर लूप को नेस्ट करके दिखाऊंगा। बेसिकली हमारा नेस्टेड लूप यूज़ किस लिए किया जाता है, नेस्टेड लूप इज यूज्ड टू प्रोसेस टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रोसेस कराने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नेस्टेड लूप का बेसिकली यूज़ करते हैं। जनरली इसका यूज़ इस लेवल पर किया जाता है, और भी पर्पज़ हो सकते हैं जिसमें यूज़ करते हैं, बट जनरली इसका यही यूज़ किया जाता है, किसका, नेस्टेड लूप। लेट सपोज मैंने कहा एक फोर लूप मेरे पास ये है, एक फोर लूप मेरे पास ये है, इसे हम कहते हैं नेस्टेड कर, क्या कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ लूप, ये जो मैंने यहाँ पर किया है। इसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो मेरे सामने यूज़ होंगी, जैसे ये जो लूप होता है इसे हम कहते हैं आउटर लूप, क्या कहते हैं, आउटर लूप, और इसे हम क्या कहते हैं, इनर लूप, आउटर एंड इनर लूप। आउटर लूप का मतलब क्या होता है, बेसिकली आउटर लूप हमारा वो लूप होता है दैट कंट्रोल्स, या हम कहेंगे दैट रन्स फॉर नंबर ऑफ रोज, मतलब आप अपने 2D स्ट्रक्चर में कितनी रो प्रिंट कराना चाहते हैं, कितनी रोज को प्रोसेस कराना चाहते हैं, वो आप आउटर लूप में देते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है इनर लूप दैट रन्स फॉर नंबर ऑफ डेटा इन ईच रो, आपको अपने एक रो के अंदर कितना डेटा यूज करना है, अपने इसके अंदर ये जो हमारा एक रो होती है उसके अंदर आपको कितना डेटा यूज करना है, कितना डेटा आपको प्रोसेस कराना है, वो हमारा किस में डिफाइन करते हैं, इनर वाले लूप में। बेसिकली हमारी एक चीज़ और याद रखना, इनर लूप इज यूज्ड टू प्रिंट द डेटा। अगर मैं यहाँ पर पिरामिड जैसे प्रोग्राम की बात करूँ, प्रिंटिंग की बात करूँ, तो इस केस में हमारा इनर लूप होता है जो प्रिंटिंग का काम करता है डेटा का, ऑन द रो, ऑन द रो। अगर मैं किसी रो पर प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ। अब एक आपको छोटी सी चीज़ मेरी तरफ से ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर स्लैश एन लगाना है, ये किस लिए, 2D स्ट्रक्चर में टू चेंज द लाइन, अगर मुझे लाइन को चेंज करना है। आउटर लूप कितनी रो प्रिंट करनी है, इनर लूप हर रो में कितना डेटा प्रिंट करना है, प्रिंटिंग हमेशा फोर लूप के अंदर होगी जो भी प्रिंट करना चाहते हैं, और यहाँ पर स्लैश इन ताकि हम जब पूरा का पूरा डेटा प्रिंट करवा दें इनर लूप से, उसके बाद लाइन को चेंज कर दें। ये फॉर्मेटिंग होती है हमारे प्रिंटिंग नेस्टेड लूप से, कोई पिरामिड आपको तैयार करना है उसकी। सर कॉलम्स में, इसमें ऐसे ये रोज में ऐसी चीज को कॉलम्स में कर, अब दिखाऊंगा सारी चीजें करके देखते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ, वॉइड ये सी प्रोग्राम, ओके, बात एक ही है, तरीका वही होता है, इसमें सी से ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप उसमें C++ में अपने आप से कन्वर्ट करके देखना उसे। तो मैंने कहा यहाँ पर आकर के मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया आई, एक वेरिएबल ले लिया जे। क्यों लिया आई और जे, क्योंकि मेरे पास दो लूप हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे लूपिंग वेरिएबल बेसिकली आई और जे के नाम से होते हैं, मेरे ये दो लूप हैं, और मैंने कहा यहाँ पर आकर लाइन चेंज करने वाला रूल लगा दिया। ये आपको सबसे पहले कर देना जब भी आपको कोई 2D स्ट्रक्चर प्रिंट करना हो। तो मैंने कहा nested 1.c,
कितनी रो प्रिंट करनी है. लेट सपोज मुझे क्या करना है, मुझे 10 रो प्रिंट करनी है, तो मैंने यहाँ चला दिया ये 10 रोज के लिए. हर रो में कितना डेटा मुझे प्रिंट करना है, मैंने कहा जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 20 एंड जे प्लस प्लस. और मुझे वो क्या प्रिंट करना है वो यहाँ मैं मेंशन करता हूँ. लेट सपोज मुझे एक्स प्रिंट करना था, मैं रन करता हूँ और आप देखेंगे हमारे पास टोटल कितनी रोज हैं, 10 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये सारे हमारे 20x हैं. मैंने क्या कहा था, यही चीज़ मैंने यहाँ आपको बताई थी कि हमारे पास कितनी रो होंगी ये मैं डिफाइन करूँगा ऊपर, और उस रो में कितना डेटा होगा ये मैं यहाँ लूप में डिफाइन करूँगा, और क्या प्रिंट होगा वो मैं इस लूप के अंदर दिखाऊँगा प्रिंटअप स्टेटमेंट के अंदर, उसके बाद लाइन चेंजिंग की बात होगी. लेकिन हमारा पर्पस बेसिकली इस तरह का आर्किटेक्चर लाना नहीं था, हमारा पर्पस क्या था, एक पिरामिड टाइप में इंफॉर्मेशन देना. और जब मैं पिरामिड की बात करता हूँ, तो इन दैट केस हमारे सामने क्या होता है, ऐसे समझना, पहली रो में कितने स्टार होते हैं, एक, दूसरी में, तीसरी में. तो इन दैट केस अब यहाँ पर क्या होगा हमारे सामने, ये हमारा एक्स कितनी बार प्रिंट हो रहा है, फिक्स टाइम 20 बार. लेकिन हमने कहा पहली बार चले तो एक से रो नंबर तक, एक से दूसरी, एक से तीसरी, तो जितनी बार हमारा होगा उस हिसाब से. यहाँ रो नंबर मेंशन कर दो और ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सिंपल वे में हमारा एक छोटा सा पिरामिड तैयार हो गया. सेम केस रिवर्स में प्रिंट करना है. अभी ये हमारा क्या था, नेस्टेड टू का, ये हमारा अभी आपको दिख रहा है कि ये ऐसे प्रिंट हो रहा है. मुझे क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में ये पिरामिड प्रिंट करना है. दैट मीन्स 10 9 8 7 6 4 3 2 1 इस तरह से प्रिंट करना है. तो कैसे करेंगे, मैंने कहा प्रिंटिंग का क्या, किसका काम है, इसका काम है. ये कैसे प्रिंट कर रहा है, एक से एक तक, एक से दो तक, एक से तीन तक, कैसे कर रहा है. तो मैं क्या करता हूँ, इसे ही उल्टा कर देता हूँ. कैसे, 10 से शुरू करेंगे, रो नंबर तक जाएंगे एंड माइनस माइनस, रिवर्स करते ही हमारा रिवर्स वाला प्रिंट. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ तो हो गई हमारी रिवर्स प्रिंट करने की. लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें एक्चुअली में चाहिए बिल्कुल कि ट्रायंगुलर टाइप में प्रिंट हो. मैं पिरामिड की ही तरह प्रिंट करना है. मैं वापस कॉपी करता हूँ, नेस्टेड 3.c. यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये मेरा ऐसा प्रिंट हो रहा है, इसके साइड में जैसे ये आ रहा था मेरा, एक और प्रिंट कर दिया, और इसमें एक्स की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, लेट्स से हैश लगा देता हूँ. ध्यान से देखना क्या अजीब सा काम, मगर मुझे ये वाला लेट मीन्स एक तरह से ऐसा नहीं चाहिए था, वो हमारा इस तरह से होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह की रो बढ़ती हुई. तो मैंने क्या किया, इस वाले को सीधा चला देते हैं, 1 less than प्लस प्लस. ध्यान से देखना क्या होगा, मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, क्यों, मुझे इसकी जगह चाहिए स्पेस. तो हम क्या करेंगे, ये एक्स प्रिंट कर रहा है ना, इस एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, स्पेस और फिर रन. अब आपको पता है, अब आपने कहा कि मुझे ऐसे प्रिंट करना है, तो ऐसे प्रिंट में ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तो है ये भी. तो दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, ध्यान सोचना, ये इजी सा वे बता रहा हूँ, मैंने कहा लाइन चेंज होने से पहले कर रहा हूँ सारे काम, ये इजीएस्ट वे होता है. सेव करता हूँ एंड देन लुक एट दिस. ऊपर दो है ना, तो अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अब एक चीज़ ध्यान देखना, ये मेरा एक पिरामिड है, ये मेरा एक दूसरा पिरामिड है. मैं क्या चाहता हूँ, ये बेसिकली शुरू कैसे हो रहे हैं, ये एक से एक पर शुरू हो रहे हैं, एक से दो पर शुरू हो रहे हैं. तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक कम करवा देता हूँ. कैसे कम करेंगे, मैंने कहा दो से शुरू करवा दो, तो दो से एक का मतलब चलेगा ही. तो पहले वाले में चला, दो से दो में एक बार चलेगा, दो से तीन में तुम्हारी पहली वाली रो एक तरह से इग्नोर हो जाएगी, और ये हमारा ठीक है. इसके अलावा इसका एक और तरीका भी होता है, वो क्या है, ध्यान से देखो, हमारे पास नेस्टेड 4.c. जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई ये मुझे करना ही नहीं, ये वाला काम मुझे करना ही नहीं था, लेट्स सी, मुझे इसी को ही ठीक करना है, बहुत इजी सा है.
एक होता है कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्या एक स्पेस, इससे भी मेरा यही काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। 1 2 3 4 1 जब हमारे नेस्टेड लूप को डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज करने का तरीका है। अगर आप चाहते हो उसे यूज करना तो वो भी कर सकते हो। कैसे? आपने कहा एक से शुरू करेंगे एंड टू इन टू आई तक जाएंगे। आप लुक एट दिस, अब तुम कहोगे सर फिर एक कम करना है तो क्या करेंगे? माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं किसको? नेस्टेड लूप को यूज करने। अब आपका काम क्या है, अब ध्यान से सुनना। ये जैसे मैंने ये बनाया ना, आपको पहले क्या करना है, इसके एक ठीक बगल में ऐसा तैयार करना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, इसके ठीक नीचे डायमंड पूरा बनना चाहिए, पूरा का पूरा। वो एक ही में अभी अलग अलग बनाने, पहले वाले में ये दो हमारे पहाड़ जैसे बनाने हैं और दूसरे में हमारा डायमंड टाइप का बनाना है, ठीक है। ये ट्राई करके देखो।